हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ अपने फोटोज़ और वीडियोस पे ग्लिच इफेक्ट कैसे डालें। प्लस में अगर आप अपने वीडियोस को एडिट करके उसमें ब्लर मैनेज करना चाहते हैं या फिर और भी चीज़ उसमें डालना चाहते हैं तो ये सब आप लोगों को टोटल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले आप लोग इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। इस एप्लीकेशन का नेम क्या है मैं आप लोग को आगे वीडियो में बता दूंगा। देखिए, इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले तो फोटोज़ ऑप्शन पर मैं टैप करके एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ से एक फोटो सेलेक्ट किया तो मुझे ओरिजिनल साइज़ लेना है, तो यहाँ पर आप लोग को ये भी ऑप्शन मिल जाता है। इस पर टैप करते ही आप लोग को यहाँ ओरिजिनल जो परफेक्ट साइज़ होता है टोटल यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग को देखिए डेट का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, जैसे कि आप लोग को डेट लगाना है और आप लोग को चूज़ भी करना है डेट, आप लोग को ये भी ऑप्शन मिल जाता है। और किस टाइप से आप लोग को डेट लगाना है, किस एंगल में जो कि अच्छा लगे, वो भी आप लोग को यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। और देखिए, इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को इफेक्ट मिल जाता है, जो कि आप लोग जो इफेक्ट यहाँ पे डालना है आप उसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ दो चार इफेक्ट यहाँ पे डाल के भी आप लोग को दिखा रहा हूँ और ऊपर में आप लोग को ऑप्शन भी मिल जाता है मैनेज करने का। और इसके अलावा देखिए, आप लोग को यहाँ पे और भी सारा एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप लोग को ब्राइटनेस मैनेज करना है या फिर सिचुएशन, टोटल यहाँ पे आप लोग का मैनेज हो जाएगा। और देखिए, इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे और भी सारा ऑप्शन मिल जाता है। देखिए, इसके बाद आप लोग को मिलते हैं यहाँ पे फ्रेम। फ्रेम में क्या होता है, आप लोग को अपना फोटो पे अगर फ्रेम लगाना है तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा, आप जिस तरह का चाहे वैसा फ्रेम आप लोग चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग को टेक्स्ट, फैंसी स्टाइल, आप लोग टोटल ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहता है। आप लोग को जिस टाइप का एडिट करना है टोटल आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब देखिए, आपको सेव करना है तो सिंपली आप लोग ऊपर टैप करेंगे और देखिए यहाँ पे मेरा सेव हो चुका है। अब इसके अलावा आप लोग को बता देता हूँ आप लोग इससे इसमें मतलब वीडियो एडिट कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसका बगल में आप लोग को मिल जाता है वीडियो का ऑप्शन, तो वीडियो पर टैप करते ही देखिए फिल्टर ऑन वीडियो पर मैं टैप कर देता हूँ। और इसमें ऑप्शन भी देता है फोटो से वीडियोस बनाने का, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। जैसे सिंपली मैं यहाँ पे एक वीडियोस को यहाँ चूज़ कर लिया और देखिए मुझे इस पर इफेक्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा इफेक्ट मिल जाता है। देखिए, जैसे फर्स्ट में ये इफेक्ट ऐड किया, सेकंड में ये, उसका थर्ड में जो ये इफेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में। और भी सारा इसमें आप लोग को यहाँ पे ग्लिच इफेक्ट मिल जाता है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग को और भी ऑप्शन कलर्स का मिल जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ कौन कलर रखना है ये भी मिल जाता है। प्लस में RGB मिल जाता है, और देखिए ऊपर आप लोग को RGB के अलावा ऊपर आप लोग को फ्रिज का ऑप्शन भी मिलता है। फ्रिज पे टैप करते ही आप लोग का दिख रहे होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ये वीडियो। और देखिए आप लोग को इसके बाद यहाँ कलर्स, टी व्यू, उसके बाद आप लोग को यहाँ मिल जाता है पिक्सल, मतलब पिक्सल अलर्ट मिल जाता है इस तरह कुछ करके आप लोग को ऑप्शन, तो इसमें भी आप लोग यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। और भी देखिए, यहाँ भी बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है, लाइन बाय लाइन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप लोग को ब्लर कितना करना है वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। और देखिए ब्लर मैनेज भी कर सकते हैं आप लोग, मतलब वीडियो में कहाँ पे ब्लर रखना है और कहाँ पे नहीं, ये आप लोग यहाँ मैनेज कर सकते हैं। और रहा कि इस एप्लीकेशन का नेम क्या है मैं आप लोग को वो भी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर आके आप लोग को सर्च करना है वेब प्रोग्राम। जैसे आप वेब प्रोग्राम सर्च करेंगे, एप्लीकेशन आप लोग को फर्स्ट में मिल जाएगा। और देखिए, मैं इसको ओपन करके भी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, इसी एप्लीकेशन से मैं आप लोग को बता रहा था। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।